Hello, my beautiful people. Welcome and welcome back to my channel. I'm your Shree here, and I really hope that you all are doing good and you all are safe. सो so, आज के वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ ये मेकअप लुक ये ग्रीन मेकअप लुक इसे मैंने क्रिएट करा है फॉर तीज जैसे कि आप लोगों को पता है हरियाली तीज बस आने ही वाला है दस वाए सो so, अगर आपको जानना है आप इस तरह ग्लोई ग्रीन मेकअप लुक कैसे क्रिएट कर सकते हो किसी भी इंडियन फेस्टिव के लिए देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग एंड ये होने वाला है स्टेप बाय स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल सो इफ यू आर ए बिगनॉर देन दिस गोइंग टू दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू सो या विदाउट फॉरद डू लेट गड ग्लोई मेकअप लुक के लिए आपका स्किन भी उतना ग्लोई एंड हाइड्रेटिंग होना चाहिए सो so, सबसे पहले यहाँ मैं स्टार्ट करूँगी मेरी मॉइस्चराइजर से जो है लैकमे पेश मिल्क का मॉस्चुराइजर उसे मैं अप्लाई करूँगी मेरी फेस पे एंड नेक पे देन मैं इस अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूंगी यह 24 फोर आवर आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा एंड आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड सफल रखेगा सो देन इस लुक को और ज़्यादा ग्लोई बनाने के लिए मैं अप्लाई करने वाली हूँ फेशियल ऑयल फ्रॉम ऑल्ब्स गुडनेस सो इसके बस कुछ ही ड्रॉप्स ही मैं लूँगी अपनी फेस पे सीधा आप चाहो तो आप इसे अपनी पाम में लेकर थोड़ा सा रब करके वार्म अप करके सीधा अपनी स्किन पे आप प्रेस कर सकते हो बट मैं इसे सीधा स्किन पे अप्लाई करके प्रेस कर रही हूँ एंड देन मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी पूरी फेस एंड नेक पे ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपकी स्किन को और ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ बना देंगे एंड आपकी पूरा मेकअप को सॉरी पूरा मेकअप को ग्लोई रखेंगे सो या इज डन नाउ स्किन केयर इज डन नाउ सो देन हम मूव करेंगे प्राइमर की तरफ जो कि मेकअप का फर्स्ट स्टेप होता है सो so, यहाँ में यहाँ मैंने लिया है आई एम सॉरी यहाँ पर मैंने लिया है वेट एंड का डोई मेकअप प्राइमर इस पे पॉल पार्टिकल्स है जो आपकी स्किन पे एक हाइलाइटिंग इफेक्ट भी छोड़ता है एंड एट द सेम टाइम आपकी पोर्स को मिनिमाइज करके आपकी फाउंडेशन के लिए एक स्मूथ सा बेस क्रिएट कर देता है इसके बाद फाउंडेशन अप्लाई करने से ऐसा लगेगा हमारी स्किन अंदर से ग्लो कर रही है सो या देन यहाँ पर मैं करूँगी कलर करेक्ट अब देख ही सकते हो मेरी फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ रखे हैं मेरी स्किन के बैंड बजी हुई है सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी जब आप हैवी मेकअप के तरफ जा रहे हो ना अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप करो देन जाओ क्योंकि बिना अपनी स्किन को प्रेप करे अगर आप फाउंडेशन अप्लाई करते हो देन आपका भी यही हाल होने वाला है यही हाल होने वाला है जो मेरा हुआ है एंड मैंने अभी अभी स्किन केयर स्टार्ट करा है क्योंकि थोड़ी सी बिजी चल रही थी दस वाय एंड आई होप कि जल्दी से मेरी स्किन से चला जाए सो so, यहाँ पर लिया था स्टेक और का मेकअप स्टेक मेकअप स्टेक या ग्रीन कलर करेक्टर था सो so इसे मैंने अप्लाई करा है जहाँ जहाँ मेरी स्किन थोड़ी सी अनइवेंट थी लाइक पिंपल स्पॉट्स थे वहाँ पर मैंने अप्लाई करके फिंगर की हेल्प से थोड़ा सा ब्लेंड आउट कर लिया है एंड देन मैं उसे थोड़ा थोड़ा पाउडर लेकर सेट कर लूँगी ताकि वो हमारी फाउंडेशन के साथ सेट ना हो जाए सॉरी मिक्स ना हो जाए अगर आपका भी सेम थिंग है लाइक आपकी आंखने स्पॉट्स है पिम्पल मार्क्स है तो ना आप ऐसे ही कर सकते हो अपनी स्किन को ईवेंट दिखाने के लिए इसके ऊपर फाउंडेशन अप्लाई करने से आपकी स्किन ईवेंट लगती है देन फॉर फाउंडेशन मैंने यहाँ पर लिया था लैकमे नाइन्टी टू फाइव प्राइमर मैट फाउंडेशन इसे मैं अप्लाई कर लूँगी अच्छे से अपनी फेस एंड नेक पर डॉडट फॉर्म में एंड देन मैं इसे ब्लेंड करूँगी विद ब्रश बट ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करने से ना स्ट्रोक मार्क मार्क्स रह जाते हैं सो so देन मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी पहले मैं इस अच्छी से स्प्रेड कर रही हूँ देन मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैबिंग मोशन में ब्लेंड आउट करूँगी इस तो अच्छे से अच्छे से ब्लेंड आउट करूँगी इससे आपकी फाउंडेशन बहुत ही स्मूथली ब्लेंड हो जाती है बिल्कुल भी आपका स्किन आई I मीन mean, आपका फाउंडेशन या पैची नहीं लगती सो देन फॉर कंसीलर यहाँ पर मैंने लिया था वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर स्टेक ये क्रीम प्रोडक्ट है इसे अप्लाई करने से हमारी मेकअप और थोड़ा ग्लोई हो जाएगी सो so, ये मेरी स्किन से थोड़ा लाइट है जैसे कि आप देख सकते हो सो so, मैं इसे अप्लाई करूँगी मेरी हाइस्ट पॉइंट्स पे हाईलाइट करने के लिए जैसे मेरी अंडर आई मेरी फोर एड ब्रिज ऑफ द नोज क्यूपिड बो चिन पे एंड अपनी आईलिड पे एंड मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी एंड गैस जहाँ पर आप कंसीलर अप्लाई कर रहे हो हाईलाइट के लिए आप उसी एरिया पर ही उसे ब्लेंड करें क्योंकि उसी एरिया पर ब्लेंड करने से हाईलाइट जो होती है वो ब्यूटिफुल लगती है अगर आप उसे पूरा स्प्रेड कर देते हो एरिया पे लाइक आपकी पूरी फेस पे आप उसे स्प्रेड कर देते हो देन आपका हाईलाइट कुछ पता ही नहीं चलता So, सो से दिन में इसे सेट कर लूँगी विथ में वाइटनिंग रोज पाउडर एंड इस बार मैं बहुत ज़्यादा नहीं ले रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे कहा था कि आप ज्यादा क्यों ले रहे हो सो so, मैं आपको बता दूँ वो एक फ़न के लिए मैं बस ऐसे ही लगा रही थी लगा लेती हूँ कभी कभी छोटे बच्चों की तरह सो so, पहले मैंने जहाँ कंसीलर अप्लाई करा था उस एरिया को मैंने सेट करा है एंड देन एक बड़ा सा ब्रश लेकर मैंने अपनी पूरी नेक एंड ईयर को सेट कर लिया है एंड यहाँ पर मैंने हेवी पाउडर बिल्कुल अप्लाई नहीं करा है क्योंकि एक ग्लॉसी मेकअप लुक है अगर हम ज़्यादा पाउडर अप्लाई करेंगे देन वो मैट हो जाएगा एंड डोंट वांट दैट मैट लुक राइट मैट लुक सो देन यहाँ आईब्रोज के लिए मैंने लिया था जैकलिन हिल आई पैलेट से एक ब्राउन शेड उसी से मैं अपने आईब्रोज आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ पहले मैंने इसे कॉम करा था एंड पता लगाने के लिए कहाँ कहाँ गैप्स है देन मैंने उसे फ़िल कर लिया है एंड बहुत ही नेचुरल तरीके से मैंने फ़िल करा था सो so, देन यह आई मेकअप के लिए मैंने सेम पैलेट से लिया था ग्रीन शेड उसे मैं सीधा प्लेस करूँगी आउट ऑफ व्यू पे एंड हाफ प्लीट तक मैं उसे लेकर जाऊँगी इन वार्ड मैं उसे लेकर जाऊँगी ऐसे ओके सो देन मैंने लिया है एक डीप ब्राउन शेड एंड इसे मैं अप्लाई करूँगी आउट ऑफ वी के थोड़ी सी बाहर जैसे कि आप देख सकते हो देन मैं इसे ट्रांजिशन पे अच्छे से ब्लेंड करूँगी एंड ग्रीन शेड के साथ अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी ताकि हमारी दोनों कलर्स अच्छे से ब्लेंडेबल लगे सो देन यहाँ पर मैं क्रीज कर रही हूँ विथ नेक्स्ट कंसीलर गाइस सारी प्रोडक्ट्स की डिटेल्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सो so, प्लीज़ अगर आपको किसी किसी भी प्रोडक्ट्स के बारे में जानना हो तो ना प्लीज़ एक बार चेक कर लें सो so, देन मैंने लिया था ये शिमरी शेड दिस अ लाइट ग्रीन वॉन सो इससे लेकर मैं अप्लाई कर लूँगी कट क्रीज पे कंसीलर को पूरा कवर कर लूँगी आप चाहो तो आप कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हो आपके हिसाब से गोल्डन कलर भी आप अप्लाई कर सकते हो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगेगा सो देन यहाँ मैं स्टे क्वर की स्टेक पेन आई से एक विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी जैसे कि आपको पता ही है हमारी इंडियन फेस्टिव का जो मेकअप है वो विंग लाइनर के बिना अधूरा सा लगता है ओके सो यहाँ पर मैंने एक परफेक्ट विंग लाइनर फेस्टिव विंग लाइनर ड्रा कर लिया है सो देन यहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ स्टेक और की आई लव यू टू काजल ऑन माई लोयर वाटर लाइन सो देन यहाँ मैंने लिया था सेम ब्राउन शेड जो मैंने अपने ट्रांजिशन पे अप्लाई करा था उसी को लेकर मैं अप्लाई कर लूँगी मेरी लोयर लास्ट लाइन पे स्मश कर लिया है एंड वो थोड़ा सा वार्म होता है तो अच्छा लगता है लाइक वार्म टोन होता है तो अच्छा लगता है सो so, तेन यहाँ पर मैंने कंसीलर से थोड़ा सा आई मीन सॉरी कंसीलर थोड़ा सा अप्लाई करा था इनर कॉर्नर पे एंड उसी पे उसी को मैंने कवर कर लिया है वो शिमरी आई से एक ग्रीन सा इफेक्ट देने के लिए बहुत ही प्यारा सा लगता है जैसे कि आपने देखा सो so देन मैंने लैक्ट में आइकॉनिक आइकॉनिक कर्लिंग मस्कारा भी अप्लाई कर लिया है सो देन यहाँ मैं लोरियल ब्राउजर से अपनी फेस को काउटोर कर रही हूँ अपनी चेकस को अपनी नोज को एंड अपनी जॉ लाइन को एंड इसे अप्लाई करने के बाद नोज़ पे जो मैंने कॉन्टोर अप्लाई करा था उसे मैं ब्लेंड करूँगी अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से देन सिवाना पैलेट से मैंने लिया था ये ब्लश शेड एंड अच्छे से मैं अप्लाई कर लूँगी अपनी एप्पल ऑफ द चिक्स पर सॉरी इसमें ना थोड़ा सा शिमो पार्टिकल्स भी है जो आपको हाईलाइट इफेक्ट भी देता है सो इट्स अ वेरी गुड थिंग सो देन मैंने लिया था गोल्डन शेड फ्रॉम सिवाना पैलेट अगेन उसी से मैं हाईलाइट कर लूँगी अपनी फेस की हाइस्ट पॉइंट्स को लाइक मई चिपड बो चेन ब्रिज ऑफ दी नोज टिप ऑफ द नोज ब्रा बोन फोर हेड चिक बोन सो देन मैंने अप्लाई करा था सेटिंग स्प्रे फ्रॉम वटा एंड वाइल्ड एंड मैं अपनी मेकअप को अच्छे से लॉक कर लिया है आप भी लॉक कर लेना विथ एनी मेकअप सेटिंग स्प्रे दैट यू हैव सो देन यहाँ में पहले फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग ही लिप लाइनर मैंने कभी यूज़ नहीं किया है सो so, यहाँ पहले मैं अपनी लिप्स को लाइन कर रही हूँ एंड देन मैं लिपस्टिक को फील करूँगी एंड यस जो लोग मुझे बोलते हैं कि आपके लिप्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं देन है hey, यार आप इसमें कुछ नहीं कर सकते एंड कैमरे के इतनी क्लोज आप बैठोगे ना तो ऑटोमेटिकली और भी ज़्यादा बड़ा दिखेगा सो दस नॉट ए सीरियस इशू सो प्लीज़ ये बात बोला ना मुझे कमेंट पर बंद कर दो सो so, ये रहा हमारा आई मेकअप क्लोजअप से मैं आपको दिखा रही हूँ सो देन यहाँ पर मैंने अप्लाई कर लिया था स्टेक और का लिक्विड लिपस्टिक मिनी लिक्विड लिपस्टिक सो so ये रहा मेरा फाइनल फिनिश लुक ग्रीन मेकअप लुक फॉर तीस एंड आई रियली होप आपको ये इंडियन फेस्टिवल मेकअप लुक अच्छा लगा हो मैंने इसे पेयरअप करा है झुमके के साथ एंड बिंदी के साथ चूड़ी के साथ एंड आई रियली होप आपको पूरा कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगा हो अगर आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वॉन एंड कमेंट डाउन बिलो अगर वीडियो में कुछ आपको लगा हो कुछ ज़्यादा हो सकता था कुछ कम हो सकता था तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट पे बताएं एंड यस yes, अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर देना सो सी यू सोन विथ न्यू अमेजिंग वीडियो टुल दिन टिकार एंड बाय